कुचामन से। कुचामन सिटी में आज अखिल भारतीय किसान सभा व अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालयों में ज्ञापन सौंपा। कामरेड अब्बास खान ने कहा कि तानाशाह सरकार किसानों के हौसले को कभी पस्त नहीं कर सकती है। सरकार जब तक तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करती है तब तक किसान संघर्ष करते रहेंगे। कामरेड नारायण राम दहिया ने कहा कि मौजूदा सरकार आम जन पर चौतरफा हमला कर रही है जिससे देश के हालात बिगड़ रहे हैं। कामरेड कानाराम बिजारणिया ने कहा मौजूदा सरकार बिजली संशोधन बिल कानून 2021 बनाकर आमजन की कमर तोड़ रही है। साथ ही शिक्षा पर भी हमले कर समाज को गलत दिशा देने की कोशिश कर रही है। ज्ञापन सौंपने से पहले किसानों ने जबरदस्त नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन में ये प्रमुख मांगे थी कि तीनों काले कृषि कानून को रद्द करें, बिजली संशोधन बिल निरस्त करें, किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी दी जाए, रसोई गैस पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई दरें व टैक्स कम करें, कोविड टीकाकरण के समय सीमा तक तय कर सभी नागरिकों को निशुल्क टीकाकरण किया जाए, बिजली के घरेलू बिलों से 800 रुपए व कृषि कनेक्शन में 2800 रुपए भारी स्थायी शुल्क तत्काल वापस लिया जाए, मनरेगा 200 दिन काम और 600 प्रति रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करें व शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना चालू करें, सार्वजनिक संपत्तियों व सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करें, सभी जरूरतमंद परिवारों को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज दाल तेल आदि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएं, नई शिक्षा नीति रद्द करें, साथ ही सभी बच्चों को छात्रवृत्ति जारी कराई जाए, प्रधानमंत्री फसल योजना को किसानों के हित में किया जाए, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाए। इस मौके पर कॉमरेड अब्बास खान कनाराम बिजारणिया नारायण राम दहिया जीवन राम शेषमा भूरा राम लोरा प्रभु रामपुरी हेमंत स्वामी संतोष रायल मावलिया मांगू राम खांडोटिया मेवाराम पन्नाराम बिजारणिया नानू राम पवन शर्मा आदि उपस्थित रहे। किसानों की राय लेके जो 40 संगठन के सलाह मशवरा करके उसको कानून बनाए और किसान के हित में बनाए, इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं किसानों द्वारा। आज हमने यहाँ उपखंड अधिकारी महोदय को यह ज्ञापन प्रस्तुत किया है जो देशव्यापी है। संयुक्त किसान मोर्चा का ये आह्वान था कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई उसी को मद्देनजर रखते हुए आज 9 अगस्त को उन्हें कॉपरेट भारत छोड़ो इसकी शुरुआत की जा रही है। देश को बचाने के लिए, कृषि को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए ये तमाम पूरे देश में जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, जनवादी महिला है, सीटू है, इन तमाम संगठनों ने जगह जगह ये ज्ञापन देकर महामहिम राष्ट्रपति से ये निवेदन किया है कि ये जो तीनों कृषि कानून है इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। और आज आदिवासी दिवस उसकी भी शुरुआत की आज अवकाश था, इसलिए तमाम जो अधिकारी वहाँ यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों ने जो विरोध प्रदर्शन कर देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापित किया है कि इस देश में कृषि को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है वो कुछ ही करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे किसान लड़ता रहेगा और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।